अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनिंग सेट टॉप आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन मैं कर रही हूँ ये तकरीबन 3 से 4 इयर्स बेबी के लिए ये इजीली इसको पहन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लंबाई का लेंथ लेते हैं, तकरीबन 14 से 15 इंच आप लोग यहाँ से ले सकते हो। लेने के बाद इसको मैंने फोल्ड कर देना है, जिस तरह से हम लोग अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए फोल्ड करते हैं ठीक वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। जब ये फोल्ड हो जाएगा इसको हम अच्छी तरह से पिन अप कर लेंगे चारों तरफ से, क्योंकि कटिंग के समय ये जो फैब्रिक मैंने लिया है तकरीबन 1/2 मीटर के जैसे हैं, स्क्वायर शेप में मैंने लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट एक फैब्रिक है जो यह, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफरेंट 2 टाइप की फैब्रिक मैं यूज़ करूँगी। ये है मेरी फॉल्स के लिए और एक जो देख सकते हो फ्लावर के वो होगा मेरी नेट फैब्रिक जो इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी नेक के लिए और उसके बाद यहाँ से मैं मार्क करूँगी जो मेरी शोल्डर के लिए होगा, तकरीबन यहाँ पे होगा 4 इंच, 4 से 4.5 इंच जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग ले सकते हो। उसके बाद 1/2 इंच के तकरीबन 2 इंच का होगा शोल्डर, उससे मैं यहाँ पे इस तरह से एक सीधा करके नहीं, थोड़ा जो शेप है उसको थोड़ा नीचे से करके एक लाइन दूंगी जिस तरह से हम लोग शोल्डर पे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो नेक है इसको ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके मैंने नेक को लिया है, अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 इंच लिया था पर मैं धागा है 4 इंच पे। आर्म होल के लिए यहाँ पे मैं चौड़ाई मैंने लिया है 4 इंच और जितना आप लोग देख रहे हो इतना मैं नहीं कटिंग करूँगी, कटिंग के समय आप लोगों को मैं बताते जाऊँगी। और लंबाई मैंने लिया था 14 इंच और यहाँ से थोड़ा कम होगा, यानी कि 14 इंच से थोड़ा कम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 इंच मैं छोटा और 1 इंच मैं बड़ा करके ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो शेप है ये डायरेक्ट मैं नहीं काटूँगी, ये एक शेप जो स्नेक के जैसे होंगे शेप, ऊपर नीचे करके मैं जिगजाग के जैसे दूंगी। यहाँ पे मैं इसको कटिंग करती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा इजीली। आप लोग देख सकते हो ये मैंने जो स्टिचिंग किया है सीधा तरीके से मैं स्टिचिंग नहीं किया है। जब ये कटिंग करेंगे तो आप लोग देख सकते हो जो आर्म होल का कटिंग है डीप मैं करूँगी, तकरीबन 1.5 इंच का, ज़्यादा डीप नहीं करना है। सो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। सेम चीज़ मुझे नेक फैब्रिक पे करना है और नेक फैब्रिक के कटिंग के समय दोनों तरफ से, यानी कि शोल्डर, आर्म होल और नीचे का जो घेर है वहाँ पे मैं 1 इंच करके ज़्यादा करूँगी, यानी कि नीचे से मैं 1 इंच ज़्यादा कटिंग करूँगी और शोल्डर के लिए भी जितना मैंने कटिंग किया था ब्लैक फैब्रिक पे उससे थोड़ा कम मैं कटिंग करूँगी। वो आप लोगों को मैं स्टिचिंग के समय बताऊँगी तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। तो इसको मैं इस तरह से फैला के मैं यहाँ पर इसको कटिंग कर लूँगी और नेट फैब्रिक जो है यहाँ पे मैं कोई भी स्टिचिंग नहीं करूँगी, जहाँ जहाँ पे मेरी एम्ब्रॉयडरी का जो धागे आए हैं वहाँ पे मुझे जो ग्लू होती है फैब्रिक ग्लू, उस ग्लू से मुझे इसको ब्लॉक करना है, इसलिए क्योंकि जो धागे हैं वो ना निकले, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी स्टिच नहीं करूँगी, मेरी स्टिच सिर्फ ये ब्लैक फैब्रिक पर ही होगा। तो इसको मैं घुमा के राइट तरफ में ले आती हूँ इस तरह से और इसको मैं इसके ऊपर इस रख दूंगी जो मेरी नेट फैब्रिक था, इसको इसके ऊपर इसको रख के मैं शोल्डर्स की जहाँ जहाँ पे कोने का शेप आया है, यानी कि शोल्डर के 2 साइड, आर्म होल के नीचे, नेक की सेंटर, वहाँ पे मुझे इसको पिन से ब्लॉक करना है। ब्लॉक करके इसको मुझे चारों तरफ से इसको स्टिच करना है नॉर्मल स्टिच से। तो यहाँ पे मैं इसको पिन से सिक्योर कर रही हूँ। इससे होगा क्या, आप लोगों को स्टिचिंग के समय, क्योंकि नेट फैब्रिक बहुत इलास्टिक होती है और इसको शेप में आना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, अगर इस वे में आप लोग करते हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, ईजिली आप लोग इसको स्टिचिंग कर पाओगे।
तो अब मैं चारों तरफ इस यहाँ पे इसको स्टिचिंग कर लूंगी। स्टिचिंग के समय यहाँ पे जो मेरी बिग साइज का स्टिचिंग है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्योंकि उसके ऊपर मैं चाप स्टिच भी दूंगी, सो इसलिए मैं बिग साइज का स्टिचिंग दूंगी। और आप लोग थोड़ा ध्यान से अगर देखते हो, जो नेट फैब्रिक है थोड़ा बिग बड़ा है, ब्लैक फैब्रिक से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जो मैंने पहले बता रही थी, क्योंकि इलास्टिक फैब्रिक बहुत ही स्टिचिंग होती है, मैंने बहुत ही इलास्टिक होती है और उसको छोटा कम बड़ा हो जाता है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा करके करते हो तो कोई भी रिक्स नहीं होती है इसको यानी कि बड़ा होने का, क्योंकि ऐसे बहुत समय हुए हैं कि जब मैं स्टिचिंग के लिए हम सेम टू सेम कटिंग किया है, स्टिचिंग के समय नेट फैब्रिक और खुल गया है और दिखने में वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए आप लोग नेट फैब्रिक को थोड़ा छोटा करके कटें। जब ये स्टिचिंग हो जाएगा चारों तरफ से, जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको आप लोग फैब्रिक को कट कर लो, और जो राउंड राउंड शेप आया है जहाँ जहाँ पे आर्म होल नेक, वहाँ वहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे करके स्टिच कटिंग करना है। कटिंग करके इसको घुमा के राइट तरफ आप लोगों को ले आना होगा, और थोड़ा ध्यान से जो स्टिचिंग है वो कटना नहीं चाहिए, तो इसको मैं घुमाकर राइट तरफ में ले आऊंगी। और मेरी चैनल पे मेरी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, ह्यूस्टन जो ड्रेसेस है, बेबी ड्रेसेस है, कुर्तीज है, ड्रेसेस लॉन्ग ड्रेसेस है, अब आया है, आप लोग मेरी चैनल पे एक नज़र दे आ सकते हो। और ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, 50% वीडियोस जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो अगर आप लोगों को भी कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो आप लोग मुझे कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट रखने की कोशिश करूँगी। सो जब ये टर्न करके मैं राइट तरफ में ले आई हूँ, जब ये हो जाएगा उसके बाद इसको तकरीबन हाफ सेंटीमीटर के डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे मुझे एक स्टिच देना है। चाप स्टिच नहीं देना है, एकदम साइड पे मुझे वन इंच हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे ये स्टिच करना है। इसी तरह से मुझे चारों तरफ पे ये स्टिच देना है। देने के बाद जब ये मेरी जो शोल्डर है, आखिर में मुझे शोल्डर को स्टिचिंग करना होगा, और स्टिचिंग करने के बाद शोल्डर को मैं जिगजैग स्टिच भी दूंगी। इससे होगा एक सिक्योर स्टिच होगा, क्योंकि जो फॉल्स के लिए मैंने फैब्रिक लिया था वो कॉटन और जो पॉलिस्टर फैब्रिक्स हैं उससे मिक्स है, सो इसीलिए मैंने इसको सिक्योरिटी के लिए मैंने इसको जिगजैग स्टिच से इसको मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर नॉर्मल स्टिच मैं दे रही हूँ, और आखिर पे जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है उसको मुझे फोल्डिंग फोर से मैं स्टिचिंग करूँगी, दो बार फोल्ड करके वहाँ पे नॉर्मल स्टिच से उसको मैं स्टिचिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से मेरी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के दौरान मुझे बता सकते हो। अगर आप लोगों का कोई भी रिक्वेस्ट होती है आप मुझे कर सकते हो, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट रखने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे आप लोग फेसबुक भी पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी फेसबुक लिंक मेरी चैनल के ऊपर मैंने रख दिया है, जहाँ पे बेल आइकन का बटन है वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जो लोग नए हों उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच फिर से, आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम, बाय बाय।